हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें हमें किसी काम के जारी रहने और थोड़ा उसके हो चुकने के बारे में पता चलता है। अफर्मेटिव में आप आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं, ही शी इट दे के साथ विल का, देन हैव बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आप विल नॉट या शैल नॉट लगाएंगे, देन हैव बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी। इंटेरोगेटिव में विल शैल देन सब्जेक्ट देन हैव बीन देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन आई एन जी। ही शी इट आई वी यू दे, जिसके बारे में भी आप सेंटेंस में बात करते हैं, जो आपका टॉपिक है वो आपका सब्जेक्ट होता है। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बट गाइज, अगर आपको इंग्लिश और जैपनीज में कोई भी टॉपिक समझना है ना इजी वे, सो प्लीज कमेंट, विद इन फ्यू आवर्स आपको वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड मिलेगी। सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फर्स्ट एग्जाम्पल है, He will have been coming to see you for many days. मतलब वह आपसे कई दिनों से मिलने आ रहा होगा। Next is, it will have been raining since last night. कल रात से वर्षा हो रही होगी। He will not have been working for 2 hours. वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा। Will Divakar not have been doing any work since morning? क्या दिवाकर सुबह से कोई काम नहीं कर रहा होगा? So I hope guys आपको ये वीडियो पसंद आई हो। So please like, comment, share and also subscribe. Thank you.